हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू दिस चैनल इंग्लिश एट योर फिंगर टिप्स। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन पोएम नंबर 2, यूपी बोर्ड क्लास 11th। द नेम ऑफ द पोएम इज द स्कॉलर। द स्कॉलर, स्कॉलर मीन्स होता है स्टूडेंट्स विद्वान व्यक्ति। स्कॉलर कहते हैं विद्वान व्यक्ति को। तो यहाँ जो पोएट है, नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट सौदे। जो रॉबर्ट सौदे हैं 1774 में वो पैदा हुए थे और एसटी कॉलरेज के क्लोज फ्रेंड रहे हैं और बहुत ही अच्छे पोएट रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स इन्होंने लिखी है। और ये जो प्रेजेंट पोएम है आपकी स्कॉलर, इसमें भी इसका भी मैसेज पोएम का बहुत अच्छा है, बहुत डीप है। और इसमें बताया गया है कि बुक्स जो होती हैं हमारी कितनी ट्रू फ्रेंड होती है। तो स्टूडेंट्स, पोएट के पास एक छोटी सी लाइब्रेरी है। उस छोटी सी लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हैं और उन बुक्स के को पढ़ने का शौकीन है, उनको बुक्स को पढ़ता रहता है। जिधर भी देखता है उधर बुक्स ही बुक्स हैं लाइब्रेरी में। तो यहाँ पोएट जब बैठता है और वो देखता है, उसके मन में ये विचार आता है कि ये जो बुक्स चारों तरफ रखी हुई है, ये मेरी कितनी क्लोज़ फ्रेंड है और मैं कितना अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय इनके साथ एक्सपेंड करता हूँ, कितना समय इनके साथ में बिताता हूँ। वो ये भी महसूस करता है कि जिन व्यक्तियों ने इनको लिखा है वो कितने वाइज रहे होंगे, कितने बुद्धिमान रहे होंगे, कितने ब्रिलियंट रहे होंगे अपने टाइम के। वो ये भी फील करता है कि उनके जो माइंड थे वो कितने माइटी रहे होंगे, कितने शक्तिशाली रहे होंगे। और वो ये भी महसूस करता है कि उन लोगों का जो पता नहीं उससे कितने दिन पहले मर चुके हैं, वो ये भी महसूस करता है कि यदि वो उन पुस्तकों को ना लिख करके जाते तो शायद उसको उन चीज़ों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता। इसलिए वो समझता है, अपने आप को मानता है कि मैं इन लोगों का बहुत ज़्यादा ऋणी हूँ, क्योंकि ये पुस्तक लिख करके चले गए, उन बुक्स को मैं पढ़ रहा हूँ, मैं उनसे जो है ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं उनसे प्राप्त करता हूँ। तो ये उनका एहसान मानता है, उनका ऋणी अपने आप को महसूस करता है। तो उनका ऋणी महसूस करता है। तो ये सारी चीज़ें इस पोएम में दी हुई हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, द स्कॉलर, यूपी बोर्ड क्लास 11th, पोएम नंबर 2, स्टेंजा वाइज लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन। देखिए स्टूडेंट्स, पहला स्टेंजा, माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट, अराउंड मी आई बिहोल्ड, wherever these casual eyes are cast, the mighty minds of old, my never failing friends are they, with whom I converse day by day. अब कहता क्या है स्टूडेंट्स, my days, ठीक है, डेज माने क्या होता है, दिन। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ डेज माने दिन नहीं है, बल्कि डेज माने एंटायर लाइफ, संपूर्ण जीवन। डेज का अर्थ है यहाँ संपूर्ण जीवन। तो माई डेज, मेरा संपूर्ण जीवन। अमंग माने बीच में, द डेड, डेड मीन्स वे मृत व्यक्ति जो भी इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने पुस्तकें लिखी और जो पुस्तकें उनकी उपस्थिति पोएट को फील करा रही हैं कि वो बेशक इस विश्व को, इस संसार को, इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अपनी पुस्तकों के रूप में वो आज भी जिंदा हैं, जीवित हैं और राइटर से डे बाय डे कन्वर्सेशन करते हैं, बातें करते हैं। तो कहता है द डेड मीन्स आर पास्ट माने बीत गए। तो कहता है कि मेरा संपूर्ण जीवन इन मृत व्यक्तियों के बीच में बीत। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक तरफ मृत व्यक्ति है यानी उनकी मृत्यु हो चुकी है, और दूसरी तरफ पोएट क्या कह रहा है कि मेरा जीवन उनके बीच में बीत गया। इसका मतलब ये कैसे हो सकता है, पोएट जीवित है और जिनके बीच में वो बता रहा है कि इनके बीच में मेरा जीवन व्यतीत हो गया है, वो मर चुके हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं, उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं, उन बुक्स के रूप में वो उनके चारों तरफ उपस्थित हैं और उसका जो जीवन है वो उनके बीच में, यानी यहाँ भी ये कहना चाहता है कि उनकी पुस्तकों के बीच में बीत गया और पुस्तकों के रूप में वो वहाँ उपस्थित हैं। तो फिर से देखिए, माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट, अराउंड मी, अपने चारों ओर, आई माने मैं, बिहोल्ड जहाँ भी देखता हूँ, अपने चारों तरफ जहाँ भी मैं देखता हूँ, वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, डीज माने ये कैजुअल माने संयोग से, आईज माने आँखें, आर कास्ट माने पड़ती है कि संयोग से अपने चारों ओर जहाँ कहीं भी मैं देखता हूँ,
संयोग से जहाँ भी मेरी नज़र पड़ती है, जहाँ भी मेरी दृष्टि पड़ती है, द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, द माइटी माने शक्तिशाली, माइंड्स माने बुद्धि दिमाग, ऑफ ओल्ड माने उन वृद्ध व्यक्तियों के, मुझे पाते हैं। यानी जहाँ भी चारों तरफ मेरी नज़र जाती है, मेरे चारों तरफ डेड पर्सन है यानी उनकी लिखी गई पुस्तकें हैं, जहाँ कहीं भी मेरी नज़र जाती है मैं उन शक्तिशाली बुद्धिमान व्यक्तियों को पाता हूँ, यानी उनकी लिखी पुस्तकें पाता हूँ। तो वो पुस्तक नहीं मान रहा उनको, बल्कि वो ये मान रहा है कि वो मृत व्यक्ति जो कभी मृत्यु प्राप्त करके इस दुनिया से जा चुके हैं, वो उसके लिए मरे नहीं है, बल्कि उसके लिए उसके चारों तरफ उपस्थित हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? क्या कहता है? माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, माई नेवर, मेरे कभी नहीं फेल माने असफल होने वाले, इसका मतलब क्या कहना चाहता है? माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, वे मेरे कभी ना असफल होने वाले मित्र हैं, इसका मतलब ट्रू फ्रेंड है। तो यहाँ जो कहा माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, कि वे मेरे सच्चे मित्र हैं, यहाँ ये कहना चाह, विद होम, जिनके साथ आई कन्वर्स, मैं बात करता हूँ, वार्तालाप करता हूँ डे बाई डे रोजाना, वे मेरे सच्चे मित्र हैं, कभी ना असफल होने वाले मित्र हैं, और जिनके साथ मैं प्रतिदिन रोजाना बातें करता हूँ, मेरे चारों तरफ वो मृत व्यक्ति हैं यानी उनकी लिखी गई पुस्तकें हैं। इसका मतलब ये है कि पोएट को जब भी लगता था कि मुझे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से कन्वर्स करना है, तो वो उसकी पुस्तक निकाल करके पढ़ना शुरू कर देता था, और जब वो किताब पढ़ता था, जब वो बुक पढ़ता था, तो उसको लगता था कि उस माइटी माइंड से वो कन्वर्सेशन कर रहा है यानी बातचीत कर रहा है। फिर से देखें स्टूडेंट्स, माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट, मेरा पूरा जीवन, मेरा संपूर्ण जीवन उन मृत व्यक्तियों के बीच में बीत गया है। अराउंड मी आई बिहोल्ड, जहाँ भी मैं, मेरे चारों तरफ जहाँ भी मैं देखता हूँ, वेयर एवर दिस कैजुअल आईज आर कास्ट, जहाँ भी संयोग से मेरी दृष्टि पड़ती है, द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, मैं उन शक्तिशाली व्यक्तियों के मस्तिष्क को पाता हूँ, अर्थात उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पाता हूँ। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, वो मेरे सच्चे मित्र हैं, विद होम आई कन्वर्स डे बाई डे, जिनके साथ मैं रोजाना वार्तालाप करता हूँ, जिनके साथ मैं रोजाना बातचीत करता हूँ। ये फर्स्ट स्टैंजा था स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सेकेंड स्टैंजा देखते हैं, विद देम आई टेक डिलाइट इन विल एंड सीक रिलीफ इन वॉय, एंड व्हाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील हाउ मच टू देम आई ओ, माई चीक्स हैव ऑफन बीन बिलीव्ड विद टीचर विद टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड। अब देखिए क्या कहता है, विद देम आई टेक, विद देम उनके साथ, ये देम किसके लिए है? माइटी माइंड्स, द ओल्ड पर्सन्स हु हैव गॉन फ्रॉम दिस वर्ल्ड बट स्टिल प्रजेंट अराउंड द पोएट इन द फॉर्म ऑफ देयर बुक्स। यहाँ दे उनके लिए यूज किया गया जो कभी के इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके हैं, लेकिन पोएट के चारों तरफ अपनी पुस्तकों के रूप में, अपनी लिखी गई पुस्तकों के रूप में वो अभी भी विद्यमान है। तो क्या कहता है, विद देम उनके साथ आई टेक डिलाइट, डिलाइट माने प्रसन्न हुआ हूँ, इन वॉय सुख में, विल मीन्स होता है विल, इन विल, विल मीन्स सुख, कि अपने सुख में मैं उनके साथ आनंदित हुआ हूँ, मैंने अपने सुख को उनके साथ बांटा है। जब मैं खुश हुआ हूँ, जब मुझे सुख की प्राप्ति हुई है, तो मैंने उन सब के बीच में अपने सुख को बांटा हूँ और आनंदित हुआ हूँ। और कहता है एंड सीक रिलीफ, सीख माने ढूंढा है, रिलीफ मीन्स चैन, इन वॉय मीन्स दुख में, और जब मैं दुखी रहा हूँ, जब मैं सुखी रहा हूँ, जब मुझे खुशी हुई है, तो मैंने अपनी खुशी को उनके साथ शेयर किया है, और उनके साथ खुशी को शेयर करके मैं आनंदित हुआ हूँ। और जब कभी भी मैं दुखी रहा हूँ, तो अपने दुख के बीच में मैंने उनसे क्या किया है, सीख रिलीफ, चैन ढूंढा है। यानी जब उसका मन दुखी होता था, वो किसी भी पुस्तक को उठा करके पढ़ना शुरू कर देता, और जब वो पुस्तक पढ़ता था, तो उसका दर्द धीरे धीरे माइल्ड हो जाता था, हल्का हो जाता था, कम हो जाता। तो उसने इसलिए क्या कहा कि जब मैं खुश रहा हूँ, जब मुझे सुख हुआ है, प्राप्त हुआ है, तब मैंने आनंदित महसूस किया है उनके बीच में अपने आप को, और जब कभी भी मैं पीड़ा में रहा हूँ, जब कभी भी मैं दुख में रहा हूँ, तो मैंने उनसे अपने लिए चैन ढूंढा है। फिर क्या कहता है, एंड व्हाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील, एंड व्हाइल माने जब, आई माने मैं अंडरस्टैंड महसूस समझता हूँ, एंड फील और महसूस करता हूँ, और जब मैं समझता हूँ और महसूस करता हूँ, हाउ मच टू देम आई ओ, हाउ मच माने कितना, टू देम माने उनका, आई माने मैं, ओ माने ऋणी हूँ, आभारी हूँ। और जब मैं महसूस करता हूँ, जब मैं समझता हूँ कि मैं उनका कितना अधिक ऋणी हूँ, मैं उनका कितना अधिक आभारी हूँ, मैं उनका कितना अधिक एहसानमंद हूँ, क्यों?
क्योंकि यदि वो उसके साथ नहीं होते, उसके पास नहीं होते, उसके चारों तरफ नहीं होते, तो वो अपनी खुशी किसके साथ शेयर करता, अपने दुख में चैन कहाँ से ढूंढता। तो जब वो महसूस करता है, जब वो समझता है कि मैं उनका कितना अधिक एहसानमंद हूँ, कितना अधिक ऋणी हूँ, तो क्या कहता है पोएट्स, पोएट कहता है माई चीक्स हैव ऑफन बीन बिलीव्ड, माई चीक्स मेरे गाल, हैव ऑफन माने अक्सर, बहुधा, प्राय, बीन बिलीव्ड, बिलीव्ड मीन्स भीग जाते हैं। और जब मैं समझता हूँ, जब मैं महसूस करता हूँ कि मैं उनका कितना आभारी हूँ, जब मैं महसूस करता हूँ, जब मैं समझता हूँ कि मैं उनका कितना एहसानमंद हूँ, तो अक्सर मेरे गाल आंसुओं से भीग जाते हैं। कौन से आंसुओं से स्टूडेंट्स, कहता है लास्ट लाइन में, विद टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड, विद टीयर्स माने आंसुओं से, थॉटफुल माने सोचने के, विवेक के या विचारशील, ग्रेटिट्यूड मीन्स एहसान। और जब मैं महसूस करता हूँ, जब मैं सोचता हूँ कि मैं उनका कितना अधिक एहसानमंद हूँ, मैं उनका कितना अधिक ऋणी हूँ, तो अक्सर मेरे गाल विचारशील आभार से, विचारशील एहसान के आंसुओं से भीग जाते हैं। वो कहता है, वो महसूस करता है कि यदि ये ना होते, यदि ये पुस्तकें ना होती, यदि इन पुस्तकों के रूप में वो मृत व्यक्ति उसके चारों तरफ ना होते, यदि वो स्कॉलर उसके चारों तरफ ना होते। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ वो खुद को भी स्कॉलर मान रहा है और अपने साथ साथ जो उसके चारों तरफ बुक्स हैं, जिनकी जिनको उन लिखा है राइटर्स ने, उन राइटर्स को भी वो स्कॉलर मानता है। तो कहता कि यदि ये मेरे चारों तरफ नहीं होते तो मेरा जीवन इतना ईजी नहीं होता। वो ऐसा महसूस करता है। क्या महसूस करता है? वो महसूस करता है कि मैं इनका बहुत अधिक आभारी हूँ, बहुत अधिक एहसानमंद हूँ। वो ये समझता है और महसूस करता है, और जब भी ये समझता है और महसूस करता है, तो विचारशील एहसान के आंसुओं से उसके गाल भीग जाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच है, माय चीक्स हैव ऑफन बीन बिडीव्ड विद टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड्स, के विचारशील एहसान के आंसुओं से मेरे गाल भीग जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पोएट तो जब उनको पढ़ता है तभी रोता है। इस बात को बहुत एक्सागरेट किया गया। एक्सागरेट का मतलब हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच क्या है? हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच वह फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें किसी चीज़ को या तो बड़ा चढ़ा कर कहा जाता है, या जो उसकी वास्तविक स्थिति उससे बहुत कम करके कहा जाता है। हाइपरबोल इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए थिंग, इवेंट एटसेट्रा आर प्रेजेंटेड हाई और लो देन व्हाट दे आर, कि अपनी वास्तविकता से या तो बातचीत को बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है या कम करके कहा जाता है। तो यहाँ हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच इसलिए कि इसने कहा माई चीक्स हैव ऑफन बीन बिडीव्ड विद टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड्स, कि जब भी मैं उन पुस्तकों को पढ़ता हूँ और जब मैं महसूस करता हूँ, जब ये सोचता हूँ, जब ये समझता हूँ कि मैं उनका कितना आभारी हूँ, तो एहसान के आंसुओं से अक्सर मेरे गाल भीग जाया करते हैं। जबकि इस बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है, ऐसा नहीं है। हाँ, वो फील करता है, वो महसूस करता है कि उनका बहुत एहसानमंद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आंसू ही वो, फिर तो वो जब भी पुस्तक पढ़ेगा तभी रोता रहेगा। तो इस बात को बढ़ा चढ़ा करके गया, इसलिए लास्ट जो लाइन है आपकी, उसमें हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच है। देखते हैं स्टूडेंट्स थर्ड स्टेंजा। थर्ड स्टेंजा में क्या दिया है? माई थॉट्स आर विद द डेड, विद देम आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स, देयर वर्च्यू लव, their faults condemn, partake their hopes and fears, and from their lessons seek and find instruction with an humble mind. क्या कहता है स्टूडेंट्स यहाँ पोएट? माई थॉट्स माने मेरे विचार आर हैं विद द डेड, मृत व्यक्तियों के समान, विद डैम उनके साथ, आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स, आई लिव मैं रहा हूँ इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स यानी भूतकाल में। क्या कहता है या कहता है स्टूडेंट्स? पोएट कहता है कि मेरे विचार उन मृत व्यक्तियों के समान हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? विद देम आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स, क्योंकि मैं लंबे समय तक उनके साथ भूतकाल में रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब उन्होंने पुस्तकें लिखी, जिस टाइम उन्होंने पुस्तकें लिखी, जब राइटर उनको पढ़ता है तो वो उतना सीरियस होकर के पढ़ता है, उतना गहराई से आकर के पढ़ता है कि उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो भूतकाल में जीवित हो, उनके साथ जीवित था जब उन्होंने लिखी है, उस समय के चीज़ों को वो अनुभव कर रहा है, उस समय के दृश्य को वो अनुभव कर रहा है। स्टूडेंट, जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते पढ़ते हमारे मन में खाका बन जाता है, एक दृश्य बन जाता है
कि उस टाइम ये इस तरह का दृश्य रहा होगा जब ये चीज़ें, तो यहाँ राइटर यही जो पोएट है इसी चीज़ को कहना चाह रहा है कि मेरे जो विचार हैं उन मृत व्यक्तियों के समान बन चुके हैं जिनके साथ मैं लंबे समय तक भूतकाल में जीवित रहा हूँ। राइटर को, पोएट को ऐसा लगता है, पोएट को ऐसा लगता है कि वो वर्तमान में कम जिया है। जब भी उन्होंने उनकी पुस्तक पढ़ी है, पुस्तक पढ़ते समय, बुक्स पढ़ते समय उसको ऐसा महसूस होता है कि वो उन पोएट्स के साथ, उन राइटर के साथ, उन बुक्स के जो कंपोजर्स थे उनके साथ भूतकाल में जीवित रहा है। इसलिए उसने क्या कहा है कि आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स। क्या कहता, देयर वर्चू लव। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट्स कितनी इंपॉर्टेंट बात कही है उसने। उसने कहा देयर वर्चू लव, कि उनके गुणों को मैंने पसंद किया है। देयर फॉल्ट्स कंडेम, लेकिन यदि उनके अंदर कोई अवगुण थे तो उनको मैंने क्या किया, कंडेम किया है। यानी कि मैं उनका अंधभक्त था, ब्लाइंड, मैंने उन पर ट्रस्ट नहीं किया। उनकी जो अच्छी बातें थी, उनके जो गुण थे, उनको मैंने आत्मसात किया है, उनको मैंने पसंद किया है। दे आर फॉल्स कंडेम्ड, लेकिन उनके अंदर जो बुराइयाँ थी, उनके अंदर जो अवगुण थे, उनको मैंने कंडेम्ड किया है, उन पर ध्यान नहीं दिया है, उनको अवॉइड किया है। यानी जैसे एक आपने सुना होगा, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, के सांप ठंड प्राप्त करने के लिए चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं, क्योंकि चंदन का पेड़ शीतलता प्रदान करता है। लेकिन सांप तो शीतलता ग्रहण करता है चंदन से, लेकिन चंदन विष प्राप्त नहीं करता सांप से, क्योंकि सांप के अंदर विष होता है। ये भी तो हो सकता है कि जैसे वो शीतलता प्राप्त करता है, सांप शीतल प्राप्त करता है, ठंड प्राप्त करता है, तो चंदन भी उससे विष प्राप्त कर सकता है। लेकिन नहीं, चंदन उससे कुछ प्राप्त नहीं करता, क्योंकि उसको अवगुण नहीं चाहिए। अब यहाँ भी यही चीज़ ये पोएट कहता है, रॉबर्ट साउदे क्या कहता है, देयर वर्चू लव, कि मैंने उनके गुणों को पसंद किया, देयर फॉल्स कंडेम, लेकिन उनके जो अवगुण थे उनको मैंने ना पसंद किया है और नेगोशिएट किया है, अवॉइड किया है। पार्टेक देयर होप्स एंड फियर्स, पार्टेक मीन्स होता है स्टूडेंट्स हिस्सा बटाना, पार्टेक मीन्स हिस्सा बटाया है, किस में हिस्सा बटाया, पार्टेक देयर होप्स, उनकी आशाओं में मैंने हिस्सा बटाया, एंड फियर्स, और उनके जो भय डर थे उनमें मैंने हिस्सा बटाया है। और क्या कहता है, एंड फ्रॉम देयर लेसन्स, और जो लेसन्स उन्होंने लिखे हैं, लेसन्स मीन्स यहाँ स्टूडेंट्स पाठ नहीं है, सबक है, और उनके द्वारा लिखे गए सबको में सीख मीन्स ढूंढ लिया है, एंड फाइंड मीन्स प्राप्त कर लिया है, पा लिया है। इंस्ट्रक्शन विद एन हम्बल माइंड, कि जो भी लेसन उन्होंने लिखे हैं, जो भी पाठ उन्होंने लिखे हैं, जो भी सबक उन्होंने लिखे हैं, उन सबक में से मैंने विनम्रता के साथ अपने लिए इंस्ट्रक्शन प्राप्त कर ली। स्टूडेंट, जब हमें ये नहीं लगता कि हमें नहीं पता होता कि हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पोएट ने भी इंस्ट्रक्शन कब प्राप्त की, किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद हमें उसमें से क्या अच्छी चीज़ मिली है उसको हम तभी एक्सेप्ट कर सकते हैं जब हम क्या होंगे, हम्बल माइंड। ये स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। आप भी अपने किसी टीचर से, अपने किसी गुरु से, अपने पेरेंट्स से, इवन किसी भी व्यक्ति से कुछ भी सीख सकते हैं, क्योंकि हर चीज़, हर घटना एक लेसन होती है। उस लेसन में से आप कब सीख सकते हैं, आप तभी सीख सकते हैं यदि आपके अंदर हम्बल माइंड है, विनम्रता है। यदि नहीं होगी आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, आप ना टीचर से सीख पाएंगे, बेशक आप क्लास अटेंड करते हैं, उनके लेक्चर भी सुनते हैं, लेकिन सीख तभी पाएंगे जब आपके अंदर उनके आपके मन में उनके प्रति रेस्पेक्ट होगी, और आपका मन में जो है कि विनम्रता का भाव होगा, रिसेप्टिव मोड पे आपका माइंड होगा। यदि आपके अंदर एरोगेंस होगी तो यू विल गेन नथिंग। आपको कितने लेसन, आपको कितने लेक्चर, आपको कितनी क्लास अटेंड करवा दी जाए, यदि आपके अंदर विनम्रता नहीं होगी, यदि आपके अंदर रेस्पेक्ट नहीं होगी अपने टीचर के प्रति, तो आप उनसे कुछ नहीं सीख पाएंगे। लेकिन यहाँ पोएट के मन में उनके प्रति बहुत रेस्पेक्ट है, इसलिए उनको डैड नहीं मान रहा, बल्कि ये मान रहा कि मेरे चारों तरफ हैं, उनको बहुत मान सम्मान करता है। इसलिए उनके द्वारा लिखे गए जो भी लेसन्स हैं, उनके द्वारा जो सबक, उनके द्वारा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो चीज़ें लिखी गई हैं, उन चीज़ों से वो विनम्रता के साथ अपने लिए इंस्ट्रक्शन ढूंढ लेता है, खोज लेता है। स्टूडेंट्स, ये इसका यहाँ कहना है पोएट का, रॉबर्ट साउदे का। क्या कहता है फिर से देखिए, माई थॉट्स आर विद द डेड, विद देम, कि मेरे विचार भी उन मृत व्यक्तियों के समान हैं जिनके साथ आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स, जिनके साथ मैं लंबे वर्षों तक भूतकाल में जीवित रहा हूँ। देयर वर्चू लव, उनके गुणों को मैंने पसंद किया। देयर फॉल्स कंडेम, लेकिन उनके अवगुणों को मैंने नापसंद किया, उनको अनदेखा किया। पार्टेक देयर होप्स एंड फियर्स, उनकी आशा और भय में मैंने हिस्सा बटाया है। एंड फ्रॉम देयर लेसन्स, और उनके द्वारा लिखे गए लेसन से सीख एंड फाइंड, मैंने खोज लिया, ढूंढ लिया, प्राप्त कर लिया।
इंस्ट्रक्शन विद एन हम्बल माइंड, विनम्रता के साथ उनके द्वारा लिखे गए लेसन्स में से मैंने अपने लिए इंस्ट्रक्शन ढूंढ ली है कि मुझे मेरे लिए क्या निर्देश है। तो ये स्टूडेंट्स आपका थर्ड स्टेंजा था। फोर्थ स्टेंजा देखते हैं, कहता माई होप्स। अब देखिए यहाँ इस लास्ट स्टेंजा में जो है पोएट अपने आप को चाहता है कि मैं भी उनकी तरह हो जाऊँ, जिस तरह से वो डेड पर्सन थे वो चाहता है कि मेरी भी मृत्यु के बाद मेरी भी स्थिति ऐसी ही हो जैसी कि इन स्कॉलर्स की है जिनकी पुस्तकें मैं पढ़ता हूँ। यानी स्टार्टिंग से ही पोएट ने अपने आप को स्कॉलर माना है। अब चूंकि वो स्कॉलर्स की बुक पढ़ रहा है अपनी लाइब्रेरी में, वो तो समझता है कि ये मरे नहीं है बल्कि चारों तरफ हैं। ये भी ये अब लास्ट स्टेंजा में एक्सपेक्ट करता है कि उसकी स्थिति भी उनके जैसी होनी चाहिए और आने वाले फ्यूचर में लोग उसकी बुक्स को भी इसी तरह पढ़ें जैसे मैं अपने चारों तरफ वो मृत व्यक्तियों की पुस्तक पढ़ रहा हूँ, उनके प्रति रेस्पेक्ट और रिगार्ड शो कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पोएट चाहता है कि उसके लोग आने वाले फ्यूचर में लोग उसकी बुक्स को भी इसी तरह से पढ़ें और उसका भी इसी तरह से रेस्पेक्ट करें, इसी तरह से सम्मान करें, इसी तरह से रिगार्ड करें, इसी तरह से वो भी फ्यूचर में आने वाले समय में लोगों के द्वारा इसी तरह से याद किया जाए, पढ़ा जाए जिस तरह से वो बाकी स्कॉलर्स को याद कर रहा है। क्या कहता है, सॉरी, माई होप्स आर विद द डेड एनन, माई होप्स मेरी आशा है विद द डेड कि मैं भी उन मृत व्यक्तियों के बीच में चला जाऊँ। अनन मीन्स होता है स्टूडेंट सून, शीघ्र, कि मेरी इच्छा है, मेरी आशा है कि मैं भी शीघ्र मेरी मृत्यु हो जाए और मैं भी उन मृत व्यक्तियों के बीच में ही चला जाऊँ। माई प्लेस विद डैम विल बी, माई प्लेस मेरा स्थान भी विद डैम उनके साथ विल बी हो, और मेरा स्थान भी उनके साथ हो जाए। अर्थात यहाँ पोएट विश करता है, एम्बिशन एक्सप्रेस करता है, अपनी महत्वाकांक्षा व्यक्त करता है। पोएट चाहता है कि उसकी भी शीघ्र मृत्यु हो जाए और उसका स्थान भी उन स्कॉलर्स के बीच में, उन विद्वान व्यक्तियों के बीच में हो जिनकी पुस्तकें वो अपने चारों तरफ रखता है और जिनकी बुक्स को वो पढ़ता है। क्या कहता है, एंड आई विद देम शैल बी ट्रैवल ऑन, एंड आई और मैं विद देम उनके साथ शैल बी ट्रैवल ऑन यात्रा करूँ थ्रू ऑल फ्यूचरिटी। ऑल फ्यूचरिटी, फ्यूचरिटी मीन्स होता है अनंत भविष्य में। तो राइटर कहता है, पोएट कहता है, रॉबर्ट साउदे यहाँ कहता है कि मेरी इच्छा है, मेरी आशा है, मैं ये आशा करता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मेरी एम्बिशन है कि मेरी शीघ्र मृत्यु हो जाए और मेरा स्थान भी उन मृत लोगों के बीच में हो और उनके साथ आने वाले अनंत भविष्य में मैं यात्रा करता रहूँ। देखिए अब वो पोएट क्या कहना चाहता है, वो कब मरे थे पता नहीं कब मरे थे, लेकिन वो अपनी बुक्स के रूप में आज भी प्रेजेंट हैं पोएट के चारों तरफ। तो यह पोएट भी ये चाहता है कि उसकी भी शीघ्र मृत्यु हो जाए और अपनी बुक्स के रूप में वो अनंत भविष्य तक लोगों के बीच में उपस्थित रहे, जीवित रहे। स्टूडेंट्स देखिए आप, उसकी बात जो उसकी एम्बिशन थी वो व्यर्थ नहीं गई, वो आज भी जीवित है, आज भी जीवित है, तभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। वो आज भी जीवित है, तभी तो आज आप भी उसकी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। अब देखिए जब आप उसको पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उसको स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। इसका मतलब वो जो चाह रहा था वो ट्रैवल करना फ्यूचर में, वो ट्रैवल कर रहा है। क्यों कर रहा है ट्रैवल, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस का पार्ट है। इसलिए जो उसकी इच्छा थी, जो महत्वाकांक्षा थी, वो सही साबित हुई है, वो आज भी ट्रैवल कर रहा है। तो क्या कहता है, येट लिविंग हेयर ए नेम आई ट्रस्ट, और कहता है येट लिविंग हेयर ए नेम, और मैं एक नाम छोड़ करके जाऊँ यहाँ। अब नाम कैसे छोड़ करके जाएगा स्टूडेंट्स, वो नाम छोड़ के जाएगा कि वो कुछ लिख करके जाए, बुक्स लिख करके जाए, पोएम लिख करके जाए, कुछ रिटिन में छोड़ करके जाए। तो येट लिविंग हेयर ए नेम, कि मैं अपना नाम यहाँ छोड़ करके जाऊँ, अर्थात मैं कुछ बुक्स वगैरह यहाँ लिख करके जाऊँ। आई ट्रस्ट, और कहता है मुझे विश्वास है, दैट विल नॉट पेरिश इन डस्ट, कि यदि ऐसा हुआ और मेरी लिखी गई पुस्तकों को किसी ने पढ़ा तो इस तरह से मेरा पेरिस मीन्स होता अंत होना, इन डस्ट मीन्स धूल में, यदि ऐसा हुआ तो मेरा अंत धूल में नहीं होगा, अर्थात मैं समझूंगा कि मैंने कुछ अचीव किया है, मेरा जीवन व्यर्थ नहीं रहा है, मेरा अंत धूल में नहीं हुआ है, लोग मुझे याद करते हैं, मैंने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा किया है और मैं भी एक स्कॉलर रहा हूँ जैसा वो मान रहा है और समझता है कि ऑल फ्यूचरिटी, आने वाले अनंत समय तक लोग उसको याद करेंगे, उसके द्वारा लिखी गई बुक्स को पढ़ेंगे। और जिस तरह से उसने ग्रेटिट्यूड शो किया है, जिस तरह से उसने माना है अपने आप को कि वो आभारी है
तो आने वाले समय में लोग उसका भी आभार इसी तरह से प्रकट करेंगे, उसका भी इसी तरह से एहसान मानेंगे, जिससे कि वो भी आने वाले फ्यूचर में लगातार क्या कर सके, ट्रैवल ऑन कर सके, निरंतर यात्रा कर सके। इस तरह से अब देखिए 1774 में जो आदमी पैदा हुआ था, हम उसको आज भी याद कर रहे हैं। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो हम उसको रॉबर्ट साउदे को आज भी याद कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? उसका पेरिस इन डस्ट नहीं हुआ है। नहीं तो बहुत सारे आदमी जिनको 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद कोई नहीं जानता, एक दो जनरेशन बाद तो भूल ही जाते हैं। लेकिन इस व्यक्ति को हम आज भी क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि इसने अपना एंड डस्ट में नहीं किया, इसका अंत डस्ट में नहीं हुआ है। चूँकि इसने कुछ लिखा है, ये विद्वान था, और जो लिखा है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से इसकी ये महत्वाकांक्षा थी कि मेरी भी शीघ्र मृत्यु हो जाए। फिर से देखते हैं लास्ट स्टैंजा। स्टूडेंट्स माय होप्स आर विद द डेड अनंत, राइटर कहता है कि मेरी भी आशा है, मेरी भी इच्छा है कि मेरी शीघ्र मृत्यु हो जाए। माय प्लेस विद देम विल बी, मेरा स्थान भी उन स्कॉलर्स के बीच में हो। एंड आई विद देम शैल बी ट्रैवल ऑन, और मैं उनके साथ यात्रा करूँ थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, आने वाले अनंत भविष्य तक मैं उन लोगों के साथ यात्रा करूँ। येट लिविंग हियर एन एम, मैं चाहता हूं कि मैं अपना एक यहाँ नाम छोड़ जाऊं, अर्थात मैं अपने नाम से यहाँ पुस्तक लिख करके चला जाऊं। आई ट्रस्ट, और मुझे विश्वास है यदि ऐसा हुआ दैट विल नॉट पेरिश इन डस्ट। और यदि मैं कोई पुस्तक लिख पाया, यदि कोई मैं बुक लिख पाया और कुछ अच्छा लिख पाया, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा अंत धूल या मिट्टी में नहीं होगा। आने वाली पीढ़ियाँ मेरी बुक्स को पढ़ेंगी, और जब भी मेरी बुक्स को पढ़ेंगी वो मुझे स्मरण करेंगी, मुझे याद करेंगी। इस तरह से मेरा अंत डस्ट में नहीं होगा, धूल में नहीं होगा, लोग मुझे हमेशा हमेशा याद रखेंगे। ये इस लास्ट स्टैंजा में उसकी एम्बिशन थी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपकी पोएम सेकेंड स्कॉलर कम्प्लीट हो जाती है। आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, बताइए मुझे कि आपको कैसी लगी। स्टूडेंट्स अपने साथियों के साथ वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, ताकि आपके साथी भी इस वीडियो का, इन लेक्चर्स का अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सके। तो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।